लो जी, तो जनाब अब मैं मियो से वापस जा रहा हूँ। थैंक यू भाई आप दोनों का यार, थैंक यू। तो जनाब अभी मैं मियो से निकल रहा हूँ, बेसिकली एक ही दिन का यहाँ पे स्टे था। मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ के कोई ना कोई पर्सन होगा तो वो देख रहा होगा, तो मुझे बाद में कमेंट करते हैं कि भैया अगर तुम्हें पता होता कि आप ऐसे ट्रैवल करते हो, हम आपको छोड़ आते यार। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है यार, तो एक गाड़ी आ रही है, अगर लिफ्ट मिल जाएगी तो बट नहीं, लिफ्ट नहीं दी यार बेसिकली। तो अभी एक और गाड़ी आती है तो मैं बहुत बार होता है कि लिफ्ट मिल भी जाती है जल्दी, और बहुत बार होता है कि नहीं भी मिलती। और मियो का जो सफर था बहुत ही बेहतरीन था, बहुत मजा आया, बहुत कुछ नया सीखने और दिव्यतियन लोगों से मिला हमें यहाँ पे आके। तो जैसे जैसे मैं ट्रैवलिंग आगे करता जा रहा हूँ मेरी वैसे वैसे मेरे नॉलेज गेन होती जा रही है, और बड़ा ही मतलब आनंद वाला सीन है। क्या बात है, तो शायद आज के लिफ्ट मिल गई, लिफ्ट मिल गई बेसिकली मुझे। अब ये पकड़ लो बस, ये थोड़ा केयर। अभी मैं एक ट्रक में सफर कर रहा हूँ बेसिकली, और बड़ा ही मजेदार है, बहुत ऊंचा है यार, देखो यहाँ से काफी ऊंचा है जी। भैया आपका नाम क्या है? नाम है बबलू। बबलू, आप कहाँ के रहने वाले हो? आप तेलंगाना। चलो रे साउथ इंडियन भाई, कितनी दूर बताओ। और आपका नाम क्या है भाई? और आप कहाँ के रहने वाले हो? घर का खतर है। अच्छा, आप लोकल हो यहाँ के? ओके ओके, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच इनका यार। देखो जनाब, इसके पीछे ना चाय के बागान है। बेसिकली अभी मैं अरुणाचल से निकल कर थोड़ा सा फिर से मैं जाऊंगा, तो फिर से मैं अरुणाचल से निकल के अभी जाऊंगा असम की ओर यार, और असम मुझे किसी फैमिली के साथ जाना है। बेसिकली यार मियो से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, और अब मैं लिफ्ट की वेट कर रहा हूँ, और देखते हैं अभी लिफ्ट में क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं फिर से अरुणाचल से निकल के अभी मैं फिर से असम में जाऊंगा, और बेसिकली अरुणाचल में भी चाय के बागान आपको मिल जाएंगे। तो अभी एक बाइक आती है, मैं उनसे ट्राई करता हूँ कि लिफ्ट मिल जाएगी तो प्लीज। ओके, मुझे ना बेसिकली खारसंग के लिए जाना है। आप रास्ते में कहीं छोड़ दोगे अगर आप जा रहे हो तो? कहाँ जाना है? खारसंग जो चौरस्ता पड़ता है वहाँ पर जाना है मुझे, उसके बाद मुझे जाना है असम के लिए। कहाँ से आ रहा है? अभी बेसिकली मैं खड़ा हूँ खारसंग में, खारसंग जो पड़ता है वो अरुणाचल में पड़ता है, और इसके बाद मुझे जाना है मार्गरेटा में, और मार्गरेटा जो है वो असम में पड़ता है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि लिफ्ट का मुझे लिफ्ट मिली है यहाँ तक, उसके बाद मैं आगे का सफ़र मैं जारी करता हूँ। बेसिकली मुझे कितनी बार हो गया कि मुझे असम में जाना पड़ता है, फिर अरुणाचल में जाना पड़ता है, फिर कभी असम में अरुणाचल में, ऐसा ही मेरा सफ़र चल रहा है यार बेसिकली। तो मैं अभी लिफ्ट के लिए ट्राई करता हूँ, अगर लिफ्ट मिलती है, नहीं तो फिर सामने पुलिस स्टेशन है, वहीं पे अपना टेंट लगा लेंगे। तो अभी ना एक बड़ा ही प्यारा सा कोइंसिडेंस हुआ है यार, तो ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ जॉनी भाई के साथ, बेसिकली मैं वहाँ पे खड़ा था, वैसे तो रेंटेड कार है इनकी, बट मैंने इनको बोला कि आप मुझे थोड़ा सा टाउन तक बाहर छोड़ देना, तो झटके में इन्होंने बोला कि आप यार कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको जागुन तक छोड़ देता हूँ। जागुन कितनी दूर है भैया यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर। तो देख लो यार, दिल की दुआ सलाम कबूल करो यार, सत श्री अकाल सबको पंजाब से, और नमस्कार। वाह यार, देखो यार इंडिया के बड़े ही, ये सबसे बेनिफिट है इंडिया का यार, क्योंकि हर जगह पे हर कहते हैं कि हर इलाके में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नए नए लोग और नई नई लैंग्वेज, ट्रेडिशनली हर चीज़ बहुत डिफरेंस है यार इंडिया का, थोड़ा थोड़ा भी जाते हैं। बड़ा ही मजा आया, और थैंक यू सो मच आपका यार। बेसिकली जनाब यहाँ पे चौरस्ता पड़ता है, हम आए हैं अभी मियोम वाली साइड से, और ये चला जाता है जयरामपुर के लिए, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और ये किस साइड जाएगा? नामसाई। नामसाई के लिए, तो ये चला जाएगा नामसाई के लिए। अगर आप कभी आते हो तो यहाँ पे
भाई चौरस्ता पड़ता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी हम खारसंग में है ना, अभी हम इस ये एरिया को बालीनंग बोलते हैं, बालीनंग हाँ खारसंग में है। हाँ वैसे खारसंग में है, इसी में एक एरिया पड़ता है बालीनंग, बालीनोंग बालीनोंग पड़ता है। चलो जी जनाब, जे आ गया बॉर्डर, असम अरुणाचल का बॉर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ से आपको आईएलपी अपना शो करके जाना पड़ता है यार। अगर आपको एक दो दिन के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ पे रिटर्न में कुछ मतलब अपना आइडेंटिटी दे के आप वहाँ से जा सकते हो कि ऐसे ऐसे करके मैं कल वापस आ जाऊँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी दी थी कि मैं वापस आ जाऊँगा, तो आज मैं वापस जा रहा हूँ। वो जो सर खड़े ना सेम ही थे भाई। ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ असम। और यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है, जब भी मैं असम से अरुणाचल के लिए जब भी एंटर होता हूँ, तो जो भी रास्ते से एंटर होता हूँ वहाँ पे एक ही सीन होता है कि वहाँ पर रास्ता है वो हमेशा टूटा हुआ ही मिलेगा, बेशक वो कितना ही बड़ा हाईवे हो या नॉर्मल सड़क हो। तो पता नहीं यार ये क्या सीन है, मतलब ऐसा क्यों है, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। तो भैया बड़े आराम से टहलते टहलते गाड़ी चलाते हुए देख रहे हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा वो देखो कितना बड़ा वो पुराना वृक्ष है। कोई स्मूथ ड्राइविंग चल रही है बिल्कुल। तो जनाब ये है जागुन, जो एक टाउन है बेसिकली असम का। और भैया मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ देंगे, वहाँ से मुझे क्या है कि लिफ्ट मिल जाएगी आराम से, क्योंकि टाइम टाउन में शहर में या कभी हम गांव में खड़े होते तो आपको पता है कि लिफ्ट नहीं मिलती हमें कभी भी। तो अभी तो भैया और अंकल का थैंक यू सो मच, और बहुत ही प्यारी सी चाय थी, थैंक यू भाई। आपका नाम क्या है? विनय हजारिका। विनय, तो इनकी एक फास्ट फूड की शॉप है यहाँ पे इस रोड पे, ठीक है, कभी आना होगा तो आप भाई से ज़रूर मिल के जाइएगा। थैंक यू यार। तो जनाब अभी हम डिगबोई में हैं, बेसिकली मैं सर से मिला था जागुन में, और जागुन जो है वागुन से जो म्याऊँ है वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उनके बाद फिर मैं जागुन आया और जागुन से इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे हैं दोनों के दोनों, एक राजस्थानी है एक बिहारी हैं और एक पंजाबी हैं, तीन स्टेट एक ही गाड़ी में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। तो पान मसाला खाए हुए हैं, मुँह भरा हुआ है। क्या बात है यार, अरुणाचल की धरती, सूरज का पहला किरण भारत का, और नॉर्थ का शाम में हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं, खूबसूरत वादियों में चाय बागान कोयले के खदान, कितना कुछ है अरुणाचल में। और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप विजयनगर जरूर जाना है जब भी जाओगे। और इस साइड बैठे हैं शर्मा जी। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते, जय शंकर की, जय शंकर की। चलो जी ये तो हो गया शर्मा जी, और इस साइड है इंजीनियर जी। शर्मा जी आपके राजस्थान में कुछ कहना चाहते हो अपने भाई बंधुओं को? राजस्थान में क्या कहना है, अरे बस इतना है, भोलेनाथ सबको खुश रखे सलामत रखे। चलो जी चलो, कृपा बनी रहे, बस कृपा बनी रहे सब पर। देख रहे हो आप कोऑपरेटिव पीपल, मतलब कि अरुणाचल में भी बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। इसके बाद मुझे जाना है, अरे तिनसुकिया जाना है बेसिकली। तो मिलते हैं फिर अगल के आगे सफ़र में आपसे। बेसिकली ये जो हाईवे जा रहा है, ये जा रहा है तिनसुकिया वाली साइड और गुवाहाटी वाली साइड, दो मतलब आगे जाके डिवाइड हो जाएगा जी। और हम रुके हैं एक ढाबे पे छोटा सा, और ये है इंजीनियर। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मुझे इसके बाद जाना है तिनसुकिया, तिनसुकिया से फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो अभी काफ़ी अंधेरा हो गया, तो शायद ये यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा इसको।